हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है क्रिंसेट प्रतिमा। और हम हैं भागलपुर और मेरी पहली दिवाली है शादी के बाद, मतलब है तो दूसरी लेकिन ससुराल में पहली है। और गलियां सज चुकी हैं, दुकानें लग चुकी हैं और पटाखे बिक रहे हैं, तो हम भी चल दिए अब दिवाली की शॉपिंग करने। तो ये रहे पीयूष, और यहाँ आके थोड़ा पीयूष की है हालत ख़राब, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है उनकी, तो थोड़ा शांत शांत से है। आप लोग बोलोगे वैसे ही शांति रहते मतलब अब थोड़ा ज़्यादा शांत है। तो आगे पूरी गली में हमारे पूरा लाइट वाइट लगा हुआ है और देखते हैं कैसा रहता है। मेरे को भी नहीं पता कैसी दुकान है, क्या रहता है, तो अभी देखते हैं। अभी दीदी का फ़ोन आया, पीयूष को बोल रही थी, कह रही क्या प्रतिमा को घर पे रखा है, बाहर निकालो भाई, घूमने लेके जाओ, शॉपिंग कराओ। तो बस अभी जा रहे हैं, दीदी भी आ रही है, तो बस दिवाली अब शुरू। थोड़ा एक्साइटेड हो गई हूँ मैं क्योंकि नया एक्सपीरियंस ससुराल में पहली बार, तो थोड़ा तो रहता ही ना गाइस। तो बने रहे ब्लॉग में गाइस। इतनी भीड़ है मार्केट में, क्या बताऊँ, लेकिन शॉपिंग तो करना ही है, घुसेंगे हम भी भीड़ में, देखते हैं क्या होता है। और आप लोग देख सकते हैं मार्केट में कितनी भीड़ थी दिवाली की, और इतना रश था, लेकिन मार्केट इतना सुंदर लग रहा था, हर दुकानें इतनी सजी हुई थी। तो हम लोगों ने भी देखना स्टार्ट किया, और आगे आप लोगों को दिखेगा हम लोगों ने सारी चीज़ें ली है। उतना तो शूट नहीं कर पाई लेकिन थोड़ा बहुत किया है। तो यहाँ पे हम लोग मूर्तियाँ देखने गए थे, और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति थी और बहुत ही प्यारे प्यारे थे मूर्ति, और सारे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, कौन सा लें, कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो हमने एक दो शॉप्स देखी और फिर फाइनली हमने चूज़ कर लिया कि कौन सा लेना चाहिए, और फिर आगे आपको दिखेगा सारी चीज़ें कैसे कैसे हमने शॉपिंग की, क्या किया। और बहुत ही सुंदर मार्केट था और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। पहली बार मैं इतना लोकल स्ट्रीट पे ऐसे शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि दिवाली का तो मम्मी पापा लोग ही करते थे और हम तो घर में बस रंगोली वगैरह ये वो पटाखे वगैरह करते थे। सो गाइस, बहुत कंफ्यूज होने के बाद, कई सारी दुकानें देखने के बाद हमने अपने भगवान जी ले लिए। उसके बाद हम लोग पहुँच गए दिए लेने, और बहुत सारे दिए हमने उगने लिए, छोटे बड़े मिक्स करके। और ये मैं पीयूष को दिखा रही थी कि ये दिया देखो, और ऐसे ऐसे करके कुछ उनका रिव्यू ले रही थी कि ये ले वो ले ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उन ये मेरा पहला दिवाली, लेकिन उनको तो पता है घर में क्या कैसे कुछ चीज़ें होती है, तो मैं देख रही थी। सो गाइस, आपके यहाँ प्रसाद में दिवाली पे खील बताशे चढ़ते हो, और चीनी का वो जो डिज़ाइन का बनता है, मिट्टी का जो खिलौने टाइप सा होता है वो चढ़ता है। मम्मी को देखा था आज पहली बार, मैं खुद दिवाली की शॉपिंग कर रही, तो वो सब याद कर करके देख देख के भी याद आ रहा है कि हाँ मम्मी ये लेती थी वो लेती थी। सेम है यार, मम्मी पापा का कितना रोल होता है यार, कितना कुछ सीख लेते हैं हम लोग उनसे, नहीं तो क्या ही हो। कोई सा ले लो, या तो वो ले लो कपड़ा, गणेश लक्ष्मी का कपड़ा कैसे है जोड़ा? कौन सा साइज? तो भैया मीडियम साइज लो, ये छोटा वाला नहीं, वही यही वही आएगा भाई। हाँ वही आएगा, लेना है तो कौड़ी भी ले लो फिर। कौड़ी कितना जान? पांच का है कि? ए देखो कितना
ये शॉप इतना सुंदर था ना, मतलब ना चाह के भी मतलब आदमी खींचा चला जाए। तो यहाँ से हमने बहुत सारे रंगोली लिए और टेंसिल्स वगैरह जो होता है ना सर्कल वाला डिज़ाइन वो लिया, और भी चीज़ें कुछ ली, मुझे याद नहीं आ रहा है। और आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन फिर से मैं बाहर जाती हूँ और पीयूष के लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, मतलब कपड़े वगैरह लेने थे, लेकिन पीयूष मना करते कि नहीं मेरे पास बहुत सारे नहीं चाहिए, मुझे ज़िद कर रहे थे। लेकिन मुझे था कि नहीं, दिवाली मेरे को देने का मन था। तो फिर से दीदी आई थी तो फिर उनके साथ मैं गई चुपके से और उनके लिए लेके आई। और सो गाइस, शॉपिंग हो गई हमारी और पीयूष ने बहुत पेशेंस दिखाया। तबीयत तो ठीक नहीं है, इनको खांसी हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो अभी घर जाते हैं देखते क्या है। लेकिन सही में बहुत थका देने वाला काम है शॉपिंग करना दिवाली की। जितने लोग हैं, जितने कस्टमर्स हैं, उतने वेंडर्स भी हैं, तो भीड़ तो होनी है। गाड़ी घोड़े पता नहीं कितना कुछ, इतना शोर शराबा। लेकिन पहली बार मैंने ऐसे लोकल वेंडर शॉपिंग की है, ऐसे तो पापा मम्मी करते थे, तो अच्छा लगा। तो ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग दिवाली का होगा और आप सभी को पहले से ही इन एडवांस हैप्पी धनतेरस और हैप्पी छोटी दिवाली, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, सब्सक्राइब कर लेना गाइस अगर नहीं किया है तो। गाइस तो दीदी आ चुकी हैं, मैंने पहले ब्लॉग में बोला था आप आने वाली हैं, तो हम लोग चुपके से पीयूष के लिए लेने आए कुछ कुर्ता वगैरह, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। तो इसमें दीदी मेरी मदद कर रही हैं, छुपा के लेने आए ना, हमें सीढ़ियाँ चढ़ गया इसलिए हम लोग थक गए। हाँ, सब लोग को दिखाती हूँ गाइस। साइज मीडियम साइज, हाँ कुछ ऐसा, ये पसंद आएगा उनको मुझे पता। और दिखाइए डिज़ाइन अलग, ये तो से अच्छा। साइज अगर दिक्कत होगा तो चेंज कर दोगे ना साइज का? हाँ, एक बार खोल के भी देख लूंगी मैं। स्मॉल तो काफी वो हो जाएगा, वो पतला दुबला होगा ना, बॉडी हल्का फील होगा, तो वो दबा देंगे, मतलब आपके जैसे फिटिंग कर देंगे ना। ठीक है, फिर फिटिंग करवा लेना। हाँ हाँ, ऐसा कुछ होगा। ब्लैक मत लीजिए, ब्लैक फिर पूजा पाठ में। हाँ, यही वाला तो सी ग्रीन मांग रही थी, यही तो सुंदर लग रहा है, ये वाला यही कलर मांग, यही ले लो। साइज तो बहुत अच्छा कलर मिल गया, कैमरे में शायद थोड़ा अलग दिख रहा है। कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा इसका अच्छा, इसमें फिटिंग वगैरह करवाने का लोडिंग नहीं है, जरूरत कलर सब क्या करें, ले लें क्या कमी। बहुत बढ़िया कलर है, प्यारा लग रहा है, पर मेरे पर खिलेगा ये कलर। हाँ हाँ, और ये ग्राहक कंफ्यूज होते हुए अच्छा लग रहा है, जो भी पहनेगी ना अच्छा लुक रहेगा, अच्छा लुक रहेगा। प्रचलित कुल्फी आइसक्रीम जो मिलता है बहुत टेस्टी होता है, तो वो खाने आए हैं बाबूलाल महाराज, बाबूलाल महाराज की कुल्फी। खा खा बेटा खा।